हेलो गाइस, इंटरनेट एक्सप्लोर के बारे में तो सभी जानते होंगे। ऐसा कौन नहीं है जो इंटरनेट एक्सप्लोर के बारे में नहीं जानता हो। तो गाइस, हम आपको आज बता दें कि इंटरनेट एक्सप्लोर बंद होने वाला है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बंद करने के लिए टाइम मांगा है। एक टाइम था जब इंटरनेट एक्सप्लोर के अलावा डिफॉल्ट ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोर हुआ करता था। इस पे पुराने टाइम में, यानी कि आज से अगर 10-15 साल पुराने टाइम में जाएं, तो इंटरनेट एक्सप्लोर पे ही लोग बाग जो है अपना काम करते थे। आईटी फील्ड में भी इंटरनेट एक्सप्लोर का ही यूज होता था, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोर टाइम टू टाइम अपडेट ना होने के कारण थोड़ा पीछे रह गया, जिससे माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि अब इंटरनेट एक्सप्लोर को जो है विंडो से अलग कर दिया जाए, यानी कि उसको बंद कर दिया जाए। तो दोस्तों, जो भी हमारे थर्ड पार्टी ब्राउजर होते हैं, लोग बाग उनका यूज ज़्यादा करने लगे हैं, जैसे आपका गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा वगैरह, इनका यूज ज़्यादा करने लगे हैं। इंटरनेट एक्सप्लोर का यूज होता है, मगर बहुत ऑफिशियल वर्क करने के लिए जो है इंटरनेट एक्सप्लोर का यूज किया जाता है। या बड़ी बड़ी आईटी कंपनी या बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनी होती हैं, वो इंटरनेट एक्सप्लोर का यूज करती हैं, उनके एम्प्लॉय जो है इंटरनेट एक्सप्लोर पे वर्क करते हैं। गाइस, वैसे तो विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोर की जगह माइक्रोसॉफ्ट एज ने ले ली है, जो कि वो भी खास ऐसा कुछ वर्क नहीं करता है, ना ही लोग बाग उस पर वर्क करते हैं। सिर्फ ऑफिशियल वर्क, जैसे आपका सैप वगैरह पे यूज करना, जैसे कुछ ऑनलाइन अकाउंट बिलिंग साइट होती हैं, उनमें माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज किया जा रहा है और इंटरनेट एक्सप्लोर का यूज किया रहा है। सुनने में ये आया है माइक्रोसॉफ्ट जो है इसको 2022 में बंद कर देगी, तो 2022 के बाद जो है आप इंटरनेट एक्सप्लोर का यूज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको थर्ड पार्टी ब्राउजर ही यूज करना पड़ेगा। इंटरनेट एक्सप्लोर को बंद करने की मुख्य वजह क्या है? कंपनी का कहना है माइक्रोसॉफ्ट एज जो विंडो 10 में है, उस पर यूजर जो है वर्क करने के लिए बहुत कम टाइम ले रहे हैं। उस पर काफ़ी टाइम बाद यूजर जो है माइक्रोसॉफ्ट एज पे आ रहे हैं, जिसके कारण कंपनी का ये दावा है कि अगर वो इंटरनेट एक्सप्लोर को बंद करेगी तो माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज यूजर्स ज़्यादा करेगा, जिससे माइक्रोसॉफ्ट एज थोड़ा सा ट्रेंडिंग में आएगा। इंटरनेट एक्सप्लोर का जो लास्ट टाइम है वो 15 जून 2022 है, तो 15 जून 2022 तक आप इंटरनेट एक्सप्लोर यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट एज पे ही वर्क करना होगा। चलिए जानते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर की शुरुआत कब हुई। इंटरनेट एक्सप्लोर की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट ने 26 साल पहले, यानी कि 1995 में वो ये इसकी शुरुआत की थी। ये यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था। 2003 में ये ट्रेंडिंग में भी आया था, पर 2003 में सबसे ज्यादा यूजर्स यूज करने वाले थे। इतने सालों में इसमें काफी बदलाव देखे गए, काफी अपडेट देखे गए, मगर माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि इंटरनेट एक्सप्लोर को बंद करने का मुख्य रीजन ये है कि यूजर्स जो है माइक्रोसॉफ्ट एज पर शिफ्ट हो जाएं, जिससे माइक्रोसॉफ्ट एज की लोकप्रियता ज्यादा बढ़े और उसका यूज ज्यादा से ज्यादा हो। इसलिए 15 जून 2022 को इंटरनेट एक्सप्लोर डेस्कटॉप वर्जन को बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट एज का ही इस्तेमाल करना होगा।